नमस्कार दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में बहुत सारे सांस्कृतिक रीति रिवाज होते हैं जिन्हें हम शादी के समय या फिर नामकरण के समय या फिर कोई भी छोटा सा फेस्टिवल हो उसके लिए भी हम रीति रिवाज का बहुत महत्व मानते हैं। अगर हमारे घर में किसी की शादी है तो उस शादी में भी बहुत सारे रीति रिवाज होते हैं। हम सभी जानते हैं कि जब शादी होती है तो उस समय हमें बहुत सारे ऐसे रीति रिवाज होते हैं जिसके बारे में उसी समय हमें पता चलता है। उसमें से एक रीति रिवाज है जो है सात वचन। सात वचन जब किसी लड़की या लड़के की शादी की जाती है, शादी के समय फेरे लिए जाते हैं तो उन सात फेरों में सात वचन भी होते हैं। तो सात वचन का क्या है महत्व शादी में हिंदू धर्म के हिसाब से जानते हैं आज इस वीडियो के दौरान। जब कोई लड़का और लड़की किसी पवित्र बंधन में बनने जा रहे हैं यानी कि शादी के पवित्र बंधन में बनने जा रहे होते हैं तो उस समय एक घोषणा होती है कि आपको फेरे लेने हैं और फेरे लेने के समय वह अग्नि के समक्ष खड़े होकर सात फेरे लेते हैं। सात फेरे तो लेते हैं, उसके साथ साथ सात वचन भी होते हैं जो उन्हें जिंदगी भर तक निभाने होते हैं और जिंदगी भर तक निभाने के लिए वह सातों वचन साथ साथ बोलते हैं और उस सातों वचन को निभाने का वादा भी एक दूसरे से करते हैं जिससे उनकी जिंदगी बहुत ही आसानी से गुजरती और सुखद गुजरे। इसलिए आज सातों वचन वो क्या होते हैं जानिए। सात फेरों में पहला वचन होता है भोजन का कल्याण। भोजन का कल्याण का मतलब ये है कि जब एक लड़का और लड़की शादी के पवित्र बंधन में बनते हैं तो वह सबसे पहला वचन ये निभाते हैं कि वह एक दूसरे के लिए भोजन का प्रतिबंध करेंगे और प्रतिबंध के साथ साथ एक दूसरे की जिम्मेदारी भी उठाएंगे। लड़की अपने गृहस्थी को अच्छे से संभालेगी और पति उसके लिए काम करके भोजन के लिए सामग्री को जुटाएगा जिससे उनका जीवन सुखद गुजरे और एक दूसरे के साथ उनकी जिंदगी प्यार भरी रहे। वचन नंबर दो, दूल्हा जब सेकंड वचन लेता है तो उस समय वह कहता है कि दुल्हन के जितने भी परिवार से जुड़ी हुई समस्या है वह उनके लिए हमेशा तैयार रहेगा और तत्पर रहेगा। जब भी लड़की को उसकी ज़रूरत होगी हमेशा उसके लिए तैयार रहेगा। और लड़की का दूसरा वचन यह होता है कि वह उसके हमेशा मानसिक शारीरिक और स्वास्थ्य के लिए हमेशा भगवान से प्रार्थना करती रहेगी ताकि उसकी ज़िंदगी लंबी रहे और खुशी से रहे और सुखद भी रहे। नंबर तीन, धन और घनिष्ठता। लड़का और लड़की इस वचन को एक साथ लेते हैं। लड़का और लड़की इस वचन को इसलिए एक साथ लेते हैं क्योंकि एक दूसरे में प्यार बना रहे और घनिष्ठता बनी रहे और एक दूसरे के साथ रहकर धन की कृपा बरसी रहे, तो इसलिए ये वचन उनके लिए सबसे खास माना जाता है क्योंकि यह प्रेम का प्रतीक भी माना जाता है। वचन नंबर चार, चौथा वचन ये होता है लड़का और लड़की अपनी आने वाली जिंदगी यानी कि आने वाले परिवार में अपने सम्मान पूर्वक उस जीवन को जी सके और खुशियां बांट सके और हमारे जीवन में हमेशा धन की वर्षा होती रहे ताकि हमारे जीवन में परस्पर कोई भी समस्या ना आए और हमारी जिंदगी में खुशियां रहे। वचन नंबर पाँच, बच्चे। वर वधु इस प्रार्थना को एक साथ ग्रहण करते हैं कि हमारे जो आने वाली संतानें होंगी उसकी प्राप्ति हमें जरूर हो क्योंकि भगवान का सबसे बड़ा आशीर्वाद बच्चे ही होते हैं और उन्हें मिलने के बाद जीवन में नई खुशियों का आनंद उठा सके। वचन नंबर छह, वचन नंबर छह होता है दीर्घायु। पति और पत्नी एक दूसरे की आयु के लिए प्रार्थना करते हैं और कहते हैं कि हमारा जिंदगी भर तक का साथ एक साथ बीते और हमारी आयु एक साथ ही रहे, यानी कि हर किसी को पता है कि मृत्यु हमारी तय है लेकिन उसके लिए हम पहले से ही प्रार्थना कर लेते हैं कि हमारी जिंदगी जब तक है जब तक सुखी रहे और हम एक साथ ही रहें, तो ये दीर्घ आयु के लिए वह सबसे पहले प्रार्थना करते हैं। वचन नंबर सात, वर और वधु ईश्वर से सातवां वचन ये प्रार्थना करते हैं कि हमें हमेशा गुणता बनी रहे यानी कि समझदारी रहे, परिपक्वता रहे और ईमानदारी रहे, कभी भी एक दूसरे से कुछ ना छिपाएं और एक दूसरे से अपनी बातों को शेयर करना सीखें ताकि हमारे बीच में कोई भी दरार ना आए और हमारा जीवन अच्छा और खुशी से बीते। तो ये है हिंदू धर्म की शादी के महत्व और उसके साथ सात वचनों के भी महत्व होते हैं। और मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।